नमस्कार आदाब, मैं रविंद्र कुमार आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है और भारतीय समय अनुसार आज या कल तक वहां कौन राष्ट्रपति बनेगा, यानी अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस बात का फैसला हो जाएगा। इससे पहले हमारे साथ प्रशांत टंडन मौजूद हैं, फ्रीडम एक्सप्रेस के संपादक हैं और अमेरिका के चुनावों पर बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं, गंभीरता से उस पर वो लगातार शोध भी करते रहे। प्रशांत जी, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर स्वागत है सभी दर्शकों की ओर से। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जो मौजूदा स्थिति है अमेरिका के चुनाव की, वो क्या है और ये चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होती है? जी देखिए, अभी रवि आपको बताऊं कि कांटे की टक्कर है अमेरिका में, जैसा कि हमने उसकी हेडलाइन भी आपने लगाई हुई है। और इस वक्त जो परिणाम हमारे सामने हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी रिहाइश कायम रख सकते हैं या फिर वो चुनाव हार जाएंगे और जो बिडेन जो है वो व्हाइट हाउस में जाएंगे। लेकिन अभी ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव किस तरफ जो है वो करवट बदलेगा। हालांकि इस पे मैं एक बात ये कह दूं कि बहुत मार्जिनल चांसेस अगर किसी के ज्यादा हैं तो वो जो बिडेन के हैं, और इस वक्त जो है वो 2013 वोटों जो कॉलेजियम वोट है वो ट्रंप के खाते में 2013 है, और जो जो बिडेन अभी 225 पर हैं तो लगभग उनसे अभी 12 वोटों से वो आगे हैं। 100 वोटों की गिनती अभी होनी है। ये 100 वोट क्या है और ये 225 जो बिडेन के वोट क्या है, 2213 ट्रंप के वोट क्या है, इसको मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में चुनाव पॉपुलर वोट से अलावा जो जो इलेक्शन डिसाइड होता है राष्ट्रपति का, वो इलेक्शन डिसाइड होता है इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों पर। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर एक कॉलेजियम ऑफ वोट दिया गया, यानी वोटों की एक सीट दी गई है। तो वो उसकी गिनती होती है। जैसे मान लीजिए कि वॉशिंगटन एक राज्य है, तो वॉशिंगटन के पास 12 इलेक्टोरल वोट हैं। मिनिसोटा एक राज्य है, उसके पास 10 वोट है। न्यूयॉर्क एक राज्य है, उसके पास 29 इलेक्टोरल वोट है। प्रशांत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आपके पास ग्राफ भी है और हाँ आपके से, तो आप अगर वो हमारे जो दर्शक हैं अगर उनके साथ शेयर करें तो वो ज्यादा हाँ वो नजदीकी से समझ में आएगा। हाँ, तो वो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि सुबह तक की स्थिति क्या थी और अभी स्थिति कैसे वो उलट रही है, तो और उसके साथ साथ मैं बताता हूँ, ये CNN का मैप है अमेरिका का, और इसमें आप 3-4 रंग देख रहे हैं। मैं इन रंगों के बारे में आपको बता दूं, तो जैसे अब इसमें आप कैलिफोर्निया देख रहे हैं, बिल्कुल किनारे की तरफ 55 वोट हैं इनके पास। तो ये जो कॉलेजियम वोट है, हर राज्यों की गिनती इसकी होती है और इसके आधार पर राष्ट्रपति बनता है। पॉपुलर वोट, जहां तक पॉपुलर वोट की बात है, तो पॉपुलर वोट में अभी जो बिडेन लीड कर रहे हैं, कोई 1-1.5% से लीड कर रहे हैं, और पिछले 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट ज्यादा मिले थे, करीब 3 मिलियन वोट ज्यादा मिले थे, 2.48%, लेकिन उनको कॉलेजियम वोट कम मिला था तो वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गई थी। तो ये अगर मेरे ख्याल से दर्शकों के समझ में आ गया होगा कि ये वोटों की गिनती वहां कैसे होती, तो कॉलेजियम वोट के आधार पर गिनती होगी। उस कॉलेजियम वोट की गिनती के आधार पर अभी जो स्थिति है, वो स्थिति में थोड़ा मार्जिनल तरीके से बिडेन आगे हैं, लेकिन जहां वोटों की गिनती नहीं हुई, आगे हम चर्चा करेंगे, वो वहां पे अभी भी ट्रंप पीछे चल रहे हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको मैं दोबारा शेयर करता हूं,
और एक और चीज बता दूं कि इसमें जो येलो कलर की आप कुछ स्टेट्स देख रहे हैं, जी सारी निगाहें इन पीले रंग वाले स्टेट्स में हैं जी कि ये जो येलो कलर के पीले रंग के स्टेट्स हैं इनको कहा जा रहा है बैटल ग्राउंड स्टेट है, मतलब ये ट्रेडिशनली रिपब्लिकन स्विंग स्टेट भी कहते हैं। अगर इसे समझा जाए ये वही स्विंग वोटर है जिसका मैंडेट लास्ट तक क्लियर नहीं होता, क्लियर नहीं होता। और ये देखिए जैसे कैलिफोर्निया है जी, जो सबसे किनारे आपको 55 वोटों के साथ दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन में बाईं तरफ, तो ये 55 वोट के साथ कैलिफोर्निया ट्रेडिशनली मतलब चुनाव दर चुनाव 70 के दशक से ये डेमोक्रेट्स के पास रहा है। जी, इसी तरीके से न्यूयॉर्क ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स का जो है वो गढ़ माना जाता है जी, तो ये लेकिन जो ये येलो कलर में जो आपको स्टेट दिख रहे हैं ये इधर उधर जाते रहते हैं। जब ये इधर उधर जाते जैसे मान लीजिए कि पेंसिल्वेनिया एक येलो कलर में अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे किनारे की तरफ दाहिनी तरफ, तो पेंसिल्वेनिया ने दो बराक ओबामा को दोनों बार सपोर्ट किया जी, लेकिन हिलेरी क्लिंटन को सपोर्ट ना करके उसने पिछले इलेक्शन में ट्रंप को सपोर्ट दिया। इस बार भी जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें पेंसिल्वेनिया बड़े पैमाने पर ट्रंप के पक्ष में वोट देता दिखाई दे रहा है। तो ये जो येलो स्टेट है जिसको कि स्विंग स्टेट कह लीजिए या बैटल ग्राउंड स्टेट कह लीजिए, इनकी हार जीत में ही अगला राष्ट्रपति वहां बनना है जी। तो कुल मिलाकर के वहां की जो, जो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन जो फाइट करते हैं कैंडिडेट उनका मेन फोकस भी इन्हीं वोटर्स पर रहता होगा ज्यादा। जी ऑफ कोर्स, जैसे मान लीजिए कि टेक्सास है जी, टेक्सास के पास 35 सीटें 35 वोट है, तो टेक्सास एक बड़ा राज्य है, ट्रेडिशनली टेक्सास जो है रिपब्लिकन का स्ट्रांग होल्ड रहा है, उनका गढ़ रहा है और वहां से उनको हमेशा से जीत हासिल होती है जी। इस बार सरप्राइजिंगली बहुत आश्चर्य की बात है कि हालांकि वो टेक्सास अभी जो नतीजे आ गए हैं कि टेक्सास के वोट ट्रंप को मिल चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी को मिल चुके हैं, ट्रंप के खाते में जा चुका है वो स्टेट, लेकिन टक्कर यहाँ वहां पे इस बार डेमोक्रेट्स ने पहली बार जबरदस्त दी है। एक बात और मैं बता दूं कि इस चुनाव में अमेरिका में पूरी शताब्दी में इस शताब्दी में सबसे ज्यादा टर्नआउट हुआ है जी। तो ये इलेक्शन बहुत मतलब कोरोना के बावजूद इतना बड़ा टर्नआउट हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में इस बार पोस्टल बैलेट हुए हैं जिसको लेकर वहां पे एक राजनीतिक खींचातानी भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ये जो पोस्टल बैलेट आए हैं बड़ी संख्या में दुगने हैं इस बार पिछले इलेक्शन से दुगने हैं और ये पोस्टल बैलेट की वजह से रिजल्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा देर हो डिले हो जाए जी। नतीजे तो हमारे सामने बहुत जल्द आ जाएंगे और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो जो बाइडेन है अगर अगर वो जीत जाए अगर वो राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका के तो भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है उस पर पहला क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं मैं एक के बाद एक आपसे पूछूंगा, लेकिन पहला मैं रिलेशन को लेकर के आपसे पूछना चाहता हूं कि रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा और उसका हमारी राजनीति पर क्या असर रहेगा। जी नहीं, अमेरिका के चुनाव का केवल भारत की राजनीति पर नहीं जी दुनिया की राजनीति पे और अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है जी। सुपर पावर है वो, यूनिपोलर वर्ल्ड में हम अभी भी रह रहे हैं, चाइना हालांकि काफी टक्कर में आया है अमेरिका के लेकिन अभी भी मोटे तौर पे कहा जाता है कि अमेरिका एक एकमात्र सुपर पावर दुनिया की है और उसके चुनाव का असर पूरी दुनिया में पड़ता, भारत में भी पड़ेगा। भारत से अमेरिका के ट्रेडिशनल रिश्ते रहे हैं, दशकों से रिश्ते रहे हैं, कोल्ड वॉर के समय भारत की नजदीकियां संयुक्त यूएसएसआर से थी लेकिन बावजूद इससे कि हमारे अमेरिका से भी संबंध थे और उसके बाद वो जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड बना और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हमारी नजदीकियां अमेरिका से बड़ी हैं और ये जो रिश्ते हैं रवि जी ये रिश्ते ऐसा नहीं है कि किसी के आने जाने से बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ता है जी। लेकिन हाँ जो प्रेसिडेंट बैठता है उसकी अपनी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं
वो तो उसकी अपनी कंफर्ट लेवल होती, जैसे बराक ओबामा की डॉक्टर मनमोहन सिंह से कंफर्ट लेवल था, तो हमारे रिश्ते थोड़ा सा बेहतर थे। नरेंद्र मोदी साहब से ट्रंप का केमिस्ट्री है, लेकिन उस केमिस्ट्री के बावजूद भारत को ज्यादा फायदा नहीं मिला, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। एक और बात मैं क्विकली, इसके पहले कि मैं डिटेल में जाऊं और भारत और अमेरिका के रिश्तों में ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये चुनाव का परिणाम, एक और मैं अपडेट के तौर पे दिखा देता हूं, क्योंकि ये भी जो अपडेट है ये बड़ा जरूरी है इस वक्त की, इस वक्त मौजूदा स्थिति वहां की क्या है। तो मौजूदा स्थिति में 225 सीटों पे जो बिडेन आगे चल रहे हैं, ये मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्क्रीन है, आपको दिख रही होगी। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये 225 पे इस वक्त जो बाइडन आगे हैं, और 215 पे डोनाल्ड ट्रंप, 213 पे डोनाल्ड ट्रंप, 213 पे डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। ये सीटें, ये वोट इनको मिल चुके हैं, और 100 सीटों पे अभी भी गिनती जारी है। तो ये जो 100 वोट हैं अलग अलग राज्यों के, इनको अगर हम देखें तो जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो येलो वाले पोर्शन यानी जो स्विंग स्टेट हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट हैं, वो बैटल ग्राउंड स्टेट ही बड़े क्रूशियल हैं। तो इन बैटल ग्राउंड स्टेट में एक है नेवाडा, तो नेवाडा में आप देखिए कि 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं इसके पास, और यहाँ पे बाइडन लगभग 3% वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये इसकी ये उम्मीद की जा सकती है कि ये 6 सीटें 6 वोट बाइडन के खाते में जाएंगे। इसी तरीके से इसके नीचे एक राज्य है एरिजोना, एरिजोना में भी 51% यानी 46.8 के मुकाबले 51.8 पर के से जो बाइडन लीड कर रहे हैं, तो इसको भी माना जा सकता है कि उनके खाते में जाएगा। ये 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं ये जो बाइडन के खाते में जा रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में जैसे मान लीजिए कि विस्कोसिन है, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप 51% के मुकाबले 47% से वोट कर रहे हैं, 10 इलेक्टोरल वोट यहाँ पे हैं। इसी तरीके से जॉर्जिया में आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप 50% से भी ऊपर वोट पाकर लीड कर रहे हैं, ये 16 इलेक्टोरल वोट्स ये राज्य भेजता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसी तरीके से मिशिगन को आप देखिए, तो मिशिगन में भी 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और यहाँ पे भी बहुत बड़ी बढ़त जो डोनाल्ड ट्रंप की है इस वक्त। इसी तरीके से मैंने को आप देखिए तो ये 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिडेन लैंडस्लाइड जिसको कह सकते हैं कि 54% 42 के मुकाबले 12% वोट से भी आगे हैं, तो ये 4 सीटें उनके खाते में जाती दिख रही हैं। इसी तरीके से नॉर्थ कैरोलिना में देखिए आप, तो 15 इलेक्टोरल वोट हैं, और इसमें जो बाइडन पीछे चल रहे हैं लगभग 1.5% वोट के मार्जिन से, तो ये स्टेट कहीं भी, ये 15 स्टेट जो नॉर्थ कैरोलिना का स्टेट है, इसका नतीजा अगर इधर उधर जाता है तो फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे 95% वोटों की काउंटिंग हो चुकी है जी। लेकिन फासला बहुत कम है। इसी तरीके से जॉर्जिया, आखिरी स्टेट पे चर्चा कर लूं कि जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कंफर्टेबल मार्जिन से आगे हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि ये टक्कर काफी कांटे की होगी, और अभी जो परिणाम है तो आप देखिए कि 12 वोटों का ही फर्क है, तो मुझे लगता है कि ये फिर भी एडवांटेज में जो बाइडन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ जो स्विंग स्टेट्स हैं वो आए हैं, और जहां जहां वो कम मार्जिन में फासला जरा कम है वहां पे एक दो स्टेट भी अगर वो अपने कब्जे में करते हैं तो वो जीत सकते हैं। लेकिन अभी क्या होगा, कुछ भी उलट फेर हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर में अमेरिका का चुनाव है, और अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं या जो है जो बिडेन जो है वो जीत नहीं पाएंगे। प्रशांत जी, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि
अमेरिका में एक तरफ वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर के वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों में फेंसिंग कर दी है, बहुत सारे जो शॉप्स हैं उनके जो सीटें हैं वो ढक दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए, वहाँ की सरकार जो जो पुलिस है उसने भी वहाँ की सुरक्षा को लेकर के अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि सरकार अगर बदलती है तो वहां कोई अप्रिय घटना घट सकती है, या ऐसा हो सकता है कि उधर कुछ उलटफेर होता है तो उसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन या स्टेट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? देखिए, तीन बहुत खास परिस्थितियों में अमेरिका के चुनाव इस वक्त हो रहे हैं। जी, एक अभी कुछ ही महीने पहले जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई पुलिस के द्वारा, और उसको लेके पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुए। उस घटना ने वहाँ के समाज को जो रेशियल रेसिज्म है, यानी जो वाइट सुप्रीमेसी है और ब्लैक्स है और दूसरे जो दूसरे मूल के जो लोग अमेरिका में बसे हैं बड़ी संख्या में है, अकेले भारतीय 16 लाख है वहाँ पे, तो उनके बीच में एक सामाजिक दरार जरूर आई है। और तो एक तो ये एक वो रहा कि उसमें जब प्रोटेस्ट हुए तो बड़े पैमाने पर केवल ब्लैक्स नहीं, वहाँ के एशियन मूल के लोग, लैटिनोस, उन सब ने पार्टिसिपेट भी किया। तो एक तो ये पोलराइजेशन अमेरिका में है, और आपको याद होगा कि जब जब 2016 में भी ट्रंप जीत के आए थे तो इलेक्शन के अगले ही दिन पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुए थे और नॉट माई प्रेसिडेंट के तख्तियाँ लेके लोग सड़कों पे थे, सड़कों पर थे जी। तो और दूसरा कि कोरोना और आर्थिक जो मार है वो भी अमेरिका में है, इस वक्त हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में देखा गया है, तो नाखुश है लोग कोरोना के हैंडलिंग से, और दूसरा कि जो जॉर्ज फ्लॉयड का मामला हुआ, तो ये सारे ये दोनों मामलों की वजह से थोड़ा लोग सतर्क जरूर हैं जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अमेरिका को लेकर के जो H1 जो वीजा था वो एक बहुत बड़ा मैटर रहा, और उसने ना सिर्फ अमेरिका में काम करने वाले बल्कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ाई। इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर जय बिडेन आते हैं तो उस पर उसका प्रचार उन्होंने खूब बढ़ चढ़ करके किया, तो उसका कोई असर कोई पड़ेगा जीतने के बाद? अगर पूरे ट्रंप के अगर आप 4 साल के कार्यकाल को आप देखेगा तो वो उनका कार्यकाल जो था वो इनवर्ड लुकिंग था, यानी वो प्रो अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स के नारे को लेकर वो चले थे जी। तो केवल भारतीय मूल के नहीं, उन्होंने दूसरे और मुल्कों के लोगों को भी, पर्टिकुलरली कुछ मुस्लिम कंट्रीज को भी वीजा बैन लगाए उन्होंने, हमारे H1B वीजा का कोटा बहुत मुश्किल किया, और जो दूसरी कंसेशंस मिलती थी जी उसको कम किया, और ये कंसेशंस जो थी वो भारतीय के फायदे में केवल नहीं थी, ये अमेरिका को ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे वो गूगल है, चाहे वो पेप्सी कोला है, चाहे वो दूसरी दूसरी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका पूरी दुनिया में जो है वो बोलबाला है, वो उन बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय मूल के लोग हैं जी। पूरी वहां की सिलिकॉन वैली जो है वो भारतीयों से भरी पड़ी है, इंडियन साइंटिस्ट नासा में हैं, और उनके हेल्थ सेक्टर में बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के डॉक्टर, लगभग 16 लाख भारतीय वहां रहते हैं जो वहां की GDP में, उनके टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं जी। तो कोई मुफ्त में नहीं रह रहे हैं वहां पे जी। तो और अमेरिका को H1 बराक ओबामा ने ही कहा था कि सबसे बड़ा जो टैलेंट पूल अमेरिका में है वो H1B वीजा है जी। अफसोस की बात है कि मोदी साहब से बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होने के बावजूद जी। सबसे कम H1B वीजा का कोटा इस वक्त हमारे पास है, और उसमें लगातार तमाम और पाबंदियां हैं, उसको डिफिकल्ट बना दिया गया है जी। जी, अगला सवाल मैं एक आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर हम ट्रेड की बात करें अमेरिका और भारत के बीच, अगर पिछले अगर 2 साल की अगर बात करें तो ट्रेड को लेकर के काफी खींचातानी रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका के यहाँ बंद हो गए,
उन्होंने बहुत सारी चीजों पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो इंडिया अमेरिका में बढ़ा दी। तो ये इलेक्शन क्या इस जो बाई ट्रेड जो पॉलिसी है इसमें भी कोई बदलाव लेकर के आएगा ऐसा आपको लगता है? जी तो हाँ, मुझे H1B वीजा में एक बात और जोड़ दूं कि क्योंकि जो बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की हैं कैंडिडेट कमला हैरिस, और उनके डेमोक्रेट्स की ट्रेडिशनली जो पॉलिसी रही है वो इंक्लूसिव पॉलिसी रही है, तो अगर जो बाइडेन व्हाइट हाउस में जाते हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम, और इसकी काफ़ी उम्मीद है कि ये सारी जो पॉलिसीज जो हुई वो और इंक्लूसिव होंगी, H1B वीज़ा और बढ़ेगा, और जो भारतीय मूल के या तमाम सारे दुनिया के दूसरे जो लोग अमेरिका में इमिग्रेट किए करते रहते हैं उनको थोड़ी कंसेशंस और आसानी होगी। तो बराक को इनका डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनकी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज ने, उनका आरोप ये रहा है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो अमेरिकन लोगों की अपॉर्चुनिटीज उनके मौके कम करते हैं, तो ये उनकी जो भावना है नेशनलिस्ट फीलिंग है नेशनलिस्ट स्लोगन है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी का नेशनलिस्ट स्लोगन काम करता है। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है वो वहां की पॉलिटिक्स में भी दिखाई दे रहा है। अब जहां तक ट्रेड की बात है जी, ट्रेड भारत और अमेरिका का ट्रेड जो है वो भारत जो है वो करीब अमेरिका जो है $48 बिलियन के इंडियन गुड्स जो है जी, वो खरीदता रहा है, और हमने उनको जो हमारा जो इम्पोर्ट है वो उसके बनस्पत काफ़ी कम रहा है। तो इसकी नाराज़गी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कई बार जो है वो दर्शाते रहे हैं जी। लेकिन एक जो बड़ा कदम जो भारत को जिससे बड़ा नुकसान हुआ भारत की इंडस्ट्री को भारत के तमाम सारे कामगारों को और छोटी इंडस्ट्री को खासकर, वो काम जब हुआ कि जब उन्होंने GSP पर को भारत को GSP से भारत को हटा दिया जी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से, उसमें करीब कई सारे जो आइटम हैं उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी अमेरिकन बाजारों में, वो एक्सेस उनको कम हो गया, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हमारी आर्टिजन इंडस्ट्री को हुआ जी। बहुत सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ जो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की इंडस्ट्री है, क्योंकि तो बहुत सारी अमेरिकन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडियन फैक्ट्रीज को छोटी छोटी जो एंसिलरीज हैं भारत में उनको आउटसोर्स करती हैं अपनी छोटी एक्सेसरीज, वो जो ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज का जो एक मार्केट है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान हमारी इंडस्ट्री को ऑलरेडी हो चुका है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जब अमेरिका और भारत के रिश्तों की बात होती है तो उसमें कश्मीर का मुद्दा और खास तौर पे भारत पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के बात जरूर होती है जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर जो बाइडेन अगर सत्ता में आते हैं तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच की जो टॉक है वो फिर एक बार फिर आगे बढ़ेगी और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के बात होगी? देखिए, कश्मीर में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की पहल की बात नहीं की है, मध्यस्थता की बात कभी भी नहीं की है। दो बार इसको डोनाल्ड ट्रंप कह चुके और वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी संबंधों की वजह से ही ऐसा कहा जी, जो भारत को मंजूर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि तो शिमला समझौते के तहत भारत पाकिस्तान अगर कोई मसला आपस में है जो इंक्लूडिंग कश्मीर उसको आपस में बैठ के सुलझाएंगे ना कि किसी तीसरे पक्ष को। तो डोनाल्ड ट्रंप इस पे काफी आगे जा चले गए और भारत पाकिस्तान और अमेरिका के जो ये संबंध हैं इसमें एक जर्नी हमने तय की है, भारत ने एक जर्नी तय की है कि पहले इंडिया पाकिस्तान हाइफोनेटेड था अमेरिका के लिए जी। अब वो पाकिस्तान को और भारत को अलग अलग जो है वो डील करता है, ये एक तब्दीली आई कुछ हाल के कुछ वर्षों में 10-15 साल में, तो और ये पॉजिटिव है। दूसरा कि ट्रंप के होने से भारत को कोई बहुत एडवांटेज नहीं उठा मिला,
चाहे वो मोदी साहब की बड़ी केमिस्ट्री के बावजूद भी नहीं हुआ। तो वो जिस तरीके से अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्फोर्स करना चाहिए था खासकर टेरर मैकेनिज्म को बंद करने के लिए, वो अमेरिका ने नहीं किया। जी, अब चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आज या जो कल जो अमेरिका के जो नतीजे आ जाएंगे उसका भारत की राजनीति यानी 2024 के इलेक्शन पर भी कोई असर देखने को मिलेगा? 2024 तो बहुत दूर है, लेकिन हाँ एक बात जरूर होगी कि जो भारत के अर्थनीति को, भारत के GSP को, H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के कंसेशंस भले ही ना हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे मोदी साहब से उनका एक आप कहो कि इक्वेशन बैठता है, केमिस्ट्री बैठती है, जिसका कि फायदा इनको मिलता है, क्योंकि दोनों ग्लोबल इस्लामोफोबिया के को भुनाने वाले नेता हैं, एक जैसी पॉलिटिक्स करते हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट जरूर BJP को यहाँ मिलता रहा है। और जो बाइडेन के आने के बाद ये दो तब्दीलियां बहुत होंगी, एक तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट रुकेगा क्योंकि आइडियोलॉजिकली अलग होंगे। ये भी मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दे चुके हैं, जो कि भारत ने कभी नहीं किया। भारत हमेशा किसी भी देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करता है, ये हमारी विदेश नीति का हमेशा से पंचशील जो हमारा है विदेश नीति का, उसका एक हिस्सा रहा है। दूसरा कि देखिए अमेरिका के अंदर कई तरीके की लॉबीज काम करती हैं, और एक वहां पे लॉबी जो है वो ह्यूमन राइट एडवोकेट्स की है, और ये ह्यूमन राइट एडवोकेट कश्मीर के इशू को, यहाँ के CNRC के इशूज को लेकर अमेरिकन फोरम्स में उठाते रहे। इसीलिए आपको देखा होगा कि बीच बीच में काफी इंडाइटमेंट होता है उनकी रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की तरफ से भी, सीनेट कमेटी की तरफ से भी। जी, ये जो अमेरिका में बड़ी सी एक लॉबी है जो ह्यूमन राइट्स के लिए कंसर्न है, जो सेकुलर वैल्यूज के लिए कंसर्न है, ये पॉलिटिकली डेमोक्रेट्स के काफी करीब है। इसलिए आपने देखा होगा कि डेमोक्रेट के सीनेटर्स भी बयानबाजी करते हैं। तो ये जरूर एक तब्दीली आएगी जो बिडेन के व्हाइट हाउस में जाने के बाद, कि वो आवाजें अब थोड़ा और जोर से सुनाई पड़ेंगी ग्लोबल लेवल पर। जी जी, तो ये प्रशांत जी हमें बता रहे थे कि अमेरिका का चुनाव किस तरीके से होता है और वहाँ जो आने वाले जो रिजल्ट हैं, नतीजे हैं, उन पर ताजा अपडेट क्या है। प्रशांत जी, आपने हमारे दर्शकों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से यानी फ्रीडम एक्सप्रेस को देखने वालों से ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वो इसकी आर्थिक मदद करना चाहें तो इसमें एक जगह दी गई है जहां से आप उस लिंक पर जा करके आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हम अमेरिका के चुनावों को लेकर के एक बार फिर आपके सामने आएंगे। जब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।